तो हम हमारी पहली एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज वन में हमें दिया है कि अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर्स सो एज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी जो ये क्वेश्चन हमें दिए, ये जो वर्ड्स है उसको कंप्लीट हमें उसको सेंसफुली अरेंज करना है, उनका एक ऑर्डर बनाना है जिसको हम रखें तो एक सेंटेंस मीनिंगफुल बनना चाहिए। ये सेंटेंस को हमें समझना है उसके कैपिटल लेटर्स, उसके जो सिंबल्स होते हैं क्वेश्चन मार्क हो या फिर फुल स्टॉप हो या फिर एक्सक्लेमेशन, वो हमें समझना है और इसका जो ऑर्डर है उसको सही से लिखना है। तो पहले यहाँ पे देखो कि लिखा है मिल्क द गिव्स काउ अस, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, वो अलग अलग उसको रखा है वर्ड्स को। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हाउ वे विल वी मेक, तो सबसे पहले आएगा आर्टिकल द और फिर आएगा काउ। तो हम लिखते हैं द काउ। हमने यही क्यों लिखा, क्योंकि द काउ इज ए सब्जेक्ट, ये आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में द काउ, उसके बाद आएगा वर्ब, द काउ के बाद आएगा वर्ब, द काउ गिव्स, उसके बाद अस यानी हमें, और उसके बाद क्या देती है, द काउ गिव्स अस क्या बचा, मिल्क। तो सेंटेंस को समझते भी है, क्या कह रहा है, द काउ गिव्स अस मिल्क यानी गाय हमें दूध देती है। तो ये सेंटेंस कैसा है, इट्स नॉर्मल सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप, पहला अक्षर कैपिटल, सब्जेक्ट वर्ब, फिर ये वाला अस यानी हमें देता है वो, और ये मिल्क। तो जो अरेंज हमने किया अरेंजमेंट वर्ड्स का, वो एक अच्छे से प्रॉपर वे में होना चाहिए और ये मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, द काउ गिव्स अस मिल्क। सेकंड में जाते हैं, हैज ग्रीन ए ही पेन, उसको सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देखो ही, यहाँ पे लिखना है ही, उसके बाद टू हैव का फॉर्म हैज, ही हैज, फिर उसके पास है, ही हैज का मतलब उसके पास है। तो क्या है भाई, यहाँ पे पेन है और फिर आएगा पेन। तो ये ग्रीन जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण बोलते हैं। यह पेन का कलर हमें दिखाता है कि पेन कौन से रंग की है, ही हैज ए ग्रीन पेन यानी उसके पास हरे रंग की पेन है। समझ आया ना, पहले सब्जेक्ट लिया, फिर हैव हैज का फॉर्म हैज है, फिर ए आर्टिकल लिया पेन के लिए, पर पहले उसका एडजेक्टिव ग्रीन दिया था तो वो लिखना पड़ेगा फिर। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, इसमें सीधा सेंटेंस है नॉर्मल, तो यहाँ पे फुल स्टॉप रखा, यानी ही हैज ए ग्रीन पेन, उसके पास हरे रंग की पेन है। नेक्स्ट है पैलेस किंग इन द लाइव्स ऑफ, लाइव्स यानी रहना, किंग यानी राजा, अब इन यानी के अंदर, पैलेस यानी महल। सेंटेंस कुछ ऐसा होगा कि राजा महल के अंदर रहता है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ पे द किंग, किंग अकेला नहीं आएगा, उसके आगे आएगा आर्टिकल द, सो हम लिखेंगे टी एच ई द एंड किंग, द किंग आएगा क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद आता है लाइव्स, लाइव्स यानी रहता है, ओके एल आई वी एस। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कहाँ पे रहता है, तो महल में, तो कैसे लिखेंगे, इन, इन यानी होता है के अंदर, तो लिखेंगे आई एन के अंदर, द किंग लाइव्स इन यानी राजा रहता है के अंदर, कहाँ पे, तो आर्टिकल अ के साथ लिखेंगे अ पैलेस, पी ए एल ए सी ई, राजा कहाँ पे रहता है, रहता है महल के अंदर, और महल के आगे हमने लिखा है आर्टिकल अ, ये हमें दिया हुआ है। सेंटेंस हुआ द किंग लाइव्स इन अ पैलेस। आगे देखो,
राइजेज द ईस्ट द सन इन. अभी इसका मतलब समझना पड़ेगा, पहले तोड़ तोड़ के समझते हैं. राइजेज यानी उगना, निकलना. ईस्ट यानी पूरब, सन यानी हमारा सूरज. ओके, इन यानी की तरफ से, चलो इन यानी अंदर. तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये बात ऐसी कर रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है. राइजेस का अर्थ यहाँ पे निकलना लेते हैं. तो सूरज पूरब से निकलता है, यानी सेंटेंस ऐसे बनेगा, पहले है सूरज तो द सन सीधा होगा आर्टिकल द के साथ. द सन तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है, हमारा वर्ब. वर्ब कौन सा है, राइजेस. द सन राइजेस, उसके बाद कहाँ से निकलता है, तो इन, प्रीपोजिशन इन, और उसके बाद आर्टिकल द और फिर ईस्ट आएगा. ईस्ट यानी पूरब दिशा. एज यू नो हमारी डायरेक्शंस फोर है. कौन सी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो ये ईस्ट से हमारा सन निकलता है, दैट इज वाई यहाँ पे हमने ईस्ट लिखा. तो क्या सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा से निकलता है. तो ये सेंटेंस भी नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने फुल स्टॉप किया. इसको समझ लो, यहाँ पे सभी सेंटेंस में पहला अक्षर कैपिटल मैंने रख राइट किया है. यहाँ पे सभी सेंटेंस का पहला अक्षर कौन सा है, कैपिटल है, और सभी के पीछे एक फुल स्टॉप भी रखा है, और सबका एक मीनिंगफुल सेंटेंस मैंने बनाया है. तो ऐसे ही ये एक्सरसाइज है, उसका 5, 6, 7 नंबर भी हम देख लेते हैं. सी अब आगे पढ़ते हैं 5, 6, 7 नंबर का जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो. इसमें क्या है, देखो वर्ड्स क्या है, इज द क्लेवर एनिमल हॉर्स ए. समझ से, हॉर्स यानी घोड़ा, एनिमल यानी प्राणी, क्लेवर यानी होशियार, चतुर. तो ऐसा बन सकता है कि घोड़ा एक होशियार प्राणी है. तो उसको हमें इंग्लिश में लिखना है, तो पहले क्या आएगा, घोड़ा सब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉर्स. पर अगर उसको पहले लिखेंगे तो आर्टिकल द का उसके साथ यूज होगा, तो सबसे पहले आएगा आर्टिकल द और उसमें टी कैपिटल आएगा, द, फिर आएगा हॉर्स यानी घोड़ा, उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म इज, द हॉर्स इज. घोड़ा कैसा है, होशियार यानी क्लेवर, द हॉर्स इज, फिर आर्टिकल आएगा ए, फिर आएगा क्लेवर और फिर आएगा एनिमल. क्योंकि ये क्लेवर उसका एडजेक्टिव है, यह बता रहा है कि घोड़ा होशियार है, यानी उसके चतुर होने का भाव दिखा रहा है. सेंटेंस ऐसा हुआ, द हॉर्स इज ए क्लेवर एनिमल. सेंटेंस नॉर्मल है, इसलिए हमने पीछे लिखा है, रखा है फुल स्टॉप. ओके, तो ये हमारा सेंस हुआ कि घोड़ा होशियार चतुर प्राणी है. उसके बाद गोज बस स्कूल बाय ही टू. अब इसको समझते हैं, अलग अलग वर्ड्स है, तो क्या कह रहे हैं, ही यानी वह, स्कूल यानी स्कूल, बस यानी बस, गोज यानी जाता है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह बस के द्वारा स्कूल जाता है, बस के द्वारा स्कूल जाता है. यानी पहला हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, उसके बाद वह आएगा, वह कौन सा है, गोज. ही गोज कहाँ पे जाता है, स्कूल. तो पहले आएगा टू, फिर आएगा स्कूल, ही गोज टू स्कूल, बाद में आएगा बाय, कैसे जाता है, तो बस से जाता है, तो बाय लिखना पड़ेगा, और आएगा बस. ही गोज टू स्कूल बाय बस, वह बस से स्कूल जाता है, यानी बस की हेल्प से वो स्कूल जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस, रन्स 20 मेड हरी. यानी यहाँ पे सेंटेंस को देखो, हरी ये सब्जेक्ट है हमारा, नाम है, मेड यानी बनाना, बना ये, 20 यानी 20, रन्स यानी रन, यानी क्रिकेट खेलते तो हम रन बनाते, वैसे ही हरी क्रिकेट खेल रहा था और उसने रन बनाए, किसने, 20 रन. तो हरी ने 20 रन बनाए, ऐसा लिखना है. ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. तो पहले आएगा सब्जेक्ट हमारा
हरी, फिर आएगा मेड, उसके बाद कितने रन बनाए, 20 और रन्स, फुल स्टॉप आएगा, सेंटेंस नॉर्मल है, इसलिए हरी मेड 20 रन्स, यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हरी ने 20 रन बनाए। तो सारे सेंटेंस में आपको चीज़ याद रखनी है कि सबका पहला लेटर कैपिटल, सब्जेक्ट का और पूरे सेंटेंस का भी, और उसमें वर्ड्स को अरेंज करना है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसका टू बी का फॉर्म अगर है तो, अगर टू हैव का फॉर्म है तो, ना हो तो सीधा वर्ब आएगा और फिर उसका एक्स्ट्रा जो पीछे के वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे देखो वर्ब नहीं दिया है तो हमें सेंटेंस का टू बी का फॉर्म दिया है तो इज हमने लिखा, ऐसे हमारे सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। So friends, today's topic is over and we will meet soon with our new topic. Till stay tuned. Subscribe our channel and press the bell icon to get notification of our latest videos. Thank you.